आज वेक्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है वो पहले लेक्चर में डिस्कस किया गया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, उसे दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका और दोनों का रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होगा, यानी जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटी दिया गया हो तो उसका एडिशन या उसका सम, या आप कह सकते हैं उसी मेथड से डिफरेंस कैसे लेते हैं, ये डिस्कस किया गया था। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक कवर्ड इन दिस लेक्चर इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें हम लोग सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पैरेललोग्राम के मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, यानी कब दो वेक्टर का सम ज्यादा होगा डिफरेंस से और कब डिफरेंस ज्यादा होगा सम से, ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है दोनों के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल अगर हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ता घटता है। तो मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किस एंगल पे होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग समझेंगे। उसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से समझने की कोशिश करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने का या विजुअलाइज करने का मेथड क्या होगा सही, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। साथ में जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा रिलेटिव टू दी वेक्टर गिवन, या जिन दो वेक्टर को जोड़ करके रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है उसका रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट का दोनों वेक्टर के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कैसे देखेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए। साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग, बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उसको आसान तरीके से कैसे हल किया जा सकता है ये हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पहले समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है। ये कहता है टू वेक्टर्स आर जॉइंट टुगेदर इन सच दैट दे कंस्टिट्यूट टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जिसे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, आप यहां स्लाइड में देख रहे हैं कि दो वेक्टर को इस तरह से आपस में ज्वाइन करना है कि दोनों मिलके किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को कंस्टिट्यूट करता है। साथ में ध्यान रखना टेकिंग देयर ओरिजिनेटिंग पॉइंट एट द सेम पोजीशन। इन दोनों का जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हम लोग क्या किए थे कि एक वेक्टर जहां समाप्त होता है दूसरा वहां से कनेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे क्या किए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे रखना है। अब ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Then the diagonal of the parallelogram taken from the common originating point will represent the resultant of the addition of two vectors. दो वेक्टर के एडिशन का जो रिजल्टेंट है इन दोनों के मिलाने से जो पैरेललोग्राम बनेगा, इन दोनों को दो साइड कंसिडर करते हुए जो पैरेललोग्राम बनेगा उसके डायगोनल के बराबर होगा। अब ये पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, तो दो साइड दिया हुआ है पैरेललोग्राम में, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम के दो साइड्स, आप जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ए के पैरेलल एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है और बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। फिर इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इसमें दो डायगोनल होगा, एक इधर से और एक यहां से। इन दोनों डायगोनल में कह रहे हैं कि जो दोनों के कॉमन ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वहां से जो डायगोनल स्टार्ट होता है वो डायगोनल दोनों के सम को बताएगा। ये जो एरो है ये दोनों को के सम को बताता है, ये आर ए प्लस बी को बताएगा। अब आप इसको अगर देखेंगे ध्यान से कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका है वो मेथड डिफरेंट है या सेम है, या दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा या अलग आएगा। तो दोनों से रिजल्ट सेम आना चाहिए, अलग रिजल्ट अगर आता है तो फिर दोनों में से कोई एक प्रोसेस जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, दोनों एक ही बात कह रहा है, दोनों में ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, बस देखिए फर्क क्या है। हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन में ए लेते हैं, ए जहां समाप्त होता है वहां से बी को लेते हैं,
तो आप ऐसे भी जानते हैं कि ये बी जो है उसके पैरेलल अगर कोई भी एरो ड्रॉ करते हैं और सेम लेंथ का हो तो दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये अगर बी है तो इसका पैरेलल वाला जो वेक्टर है ये भी बी होगा। तो अब अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से बात करते तो यहाँ ए ड्रॉ करते उसके बाद बी को यहाँ ड्रॉ करते और ये जो साइड है जो व्हाइट कलर में एरो दिख रहा है आप लोग स्क्रीन पे वो ट्रायंगल का थर्ड साइड होता है। ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करता है जहां पे दोनों सेम ऑर्डर में होना चाहिए और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां खत्म हुआ ए वहां से बी का स्टार्टिंग पॉइंट है पर थर्ड साइड का स्टार्टिंग पॉइंट यहां ना लेकर के इधर लिया उल्टा बनाया तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से भी हम लोग देखेंगे कि यही लाइन रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी यही सेम लाइन आता है तो दोनों से रिजल्ट हम लोग को सेम मिलता है। आप चाहे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कीजिए या चाहे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में ही देखिए हम लोग रिजल्टेंट ए प्लस बी का तो बताते ही हैं, साथ में अगर ए माइनस बी बताना हो या बी माइनस ए बताना हो दोनों का डिफरेंस लेना हो तो ये जो दूसरा डायगोनल बच रहा है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये डायगोनल हम लोग ड्रॉ किए ए से बी की तरफ तो ये डिफरेंस को बताएगा। डिफरेंस में ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है तो आपको देखना है कि ये बी माइनस ए होगा या ए माइनस बी। ऐसे याद रखने के लिए आपको शॉर्टकट तरीका समझिए अगर वेक्टर ए से ए के हेड से बी के हेड की तरफ हो तो हम लोग कहते हैं इसको बी माइनस ए हेड में से टेल वाले को हटा देते हैं। अच्छा ऐसा क्यों है आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड साइड बना है ये डायगोनल जो बना है ये किसी ट्रायंगल का एक हिस्सा आपको दिख रहा होगा जहां पे ये ए और वेक्टर बी और इसको मिला दे तो एक ट्रायंगल बनता है पर ये ट्रायंगल का जो साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा ए और बी को सेम ऑर्डर में लेना होगा, ए और बी को सेम ऑर्डर में लेना होगा और इसको अपोजिट ऑर्डर में। तो ये करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए को अगर उल्टा कर देते हैं वेक्टर ए को हम लोग ऐसे अपोजिट कर लेते हैं वेक्टर ए को अगर अपोजिट कर लेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा माइनस ए। माइनस ए जहां समाप्त हो रहा है बी वहीं से स्टार्ट हुआ तो ये माइनस ए प्लस बी क्या होगा ये तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का जो अपोजिट ऑर्डर में जा रहा है वो माइनस ए प्लस बी का रिजल्टेंट है। माइनस ए प्लस बी को जोड़ने का मतलब होता है बी माइनस ए तो इस तरह से ये बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डायरेक्शन उल्टा लेते हैं इधर लेते एरो इस डायगोनल का तब ये क्या बताता है ए माइनस बी बताता। तो आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि एक डायगोनल जो है वो दोनों के सम को बताता है रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल जो है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें और थोड़ा एनालिसिस कीजिए। अब आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि ए प्लस बी बड़ा है या बी माइनस ए बड़ा है। इसमें ऑब्वियसली है बहुत साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ए प्लस बी बड़ा है पर ये a प्लस बी बड़ा कब होगा जब ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वेक्टर a और b के बीच का एंगल वो 90 से छोटा हो और ये एंगल जितना छोटा होगा ये लाइन उतनी लंबी हो जाएगी a प्लस बी वाली और ये छोटा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब ये थीटा एंगल जो है वो 90 से छोटा हो तब a प्लस बी a माइनस बी से बड़ा होता है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं अगर ये थीटा 90 से बड़ा होता है 90 से बड़ा होगा तो आप देखिए पैरेललोग्राम में ये जो a प्लस बी वाली साइड है ये जो डायगोनल है a प्लस बी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हो गया वो छोटा हो गया और a माइनस बी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बड़ा हो गया। अब इस एंगल को जितना बड़ा करते जाएंगे a माइनस बी बड़ा होता जाएगा और a प्लस बी छोटा होता चला जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जब थीटा 90 से बड़ा होगा तब a प्लस बी छोटा होगा a माइनस बी से। ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट तब ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल का दोनों ही डायगोनल बराबर होते हैं। यानी कि जब थीटा 90 डिग्री हो तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन का जो रिजल्ट आया था उससे भी इसको समझा जा सकता है। a प्लस बी जो है वेक्टर a प्लस बी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा अगर हम 90 से छोटा रखते हैं तो कॉस थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव वैल्यू एड करना है और अगर थीटा 90 से बड़ा लेते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा कॉस थीटा।
कॉस थीटा जब नेगेटिव वैल्यू देगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कुछ टर्म आपको माइनस करना है, फिर रूट लेना है। जब पॉजिटिव वैल्यू देता है थीटा, और जितना थीटा छोटा होगा कॉस की वैल्यू उतना बड़ा होगा, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होता जाएगा। अब वहीं पे क्या होता है, जब ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस होता है, तो जब ये पॉजिटिव होगा तब ए माइनस बी का वैल्यू छोटा हो जाएगा और ए प्लस बी बड़ा हो जाएगा। जहां कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी थीटा 90 से बड़ा हो, तब ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से कुछ क्वांटिटी घटाना होगा, और ये इस वाले केस में, ए माइनस बी वाले केस में जब इसको नेगेटिव लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस जहां नेगेटिव है वहां डिफरेंस बड़ा होता है, कॉस जहां पॉजिटिव है वहां ए प्लस बी बड़ा होगा। और दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा 90 ले लेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाता है, इसमें से ये टर्म गायब हो जाएगा और इसमें से भी ये टर्म गायब हो जाएगा। तो जहां थीटा 90 डिग्री होगा वहां ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इस पे कई सवाल पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन वन कह रहा है, इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। अब सम का और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होने का मतलब पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल बराबर हो। ये कब संभव है, जब थीटा 90 डिग्री होगा। ये संभव तब है जब हम लोग थीटा 90 डिग्री लेंगे, अभी अभी डिस्कस किए हैं। अब देखिए यही जो सवाल है ये नीट में कई बार पूछा जा चुका है, ये 91 में पूछा है, 96 में, 2001, 2006, 2016 में, और बोर्ड के न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, डिफरेंट कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप विजुअलाइज कर लिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिपेंड करता है, कब बड़ा कब छोटा होगा और कब बराबर होगा, तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। आप चाहे तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा लेंगे और इधर भी लेंगे, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा थीटा 90 डिग्री, यानी जहां थीटा 90 होगा यानी टू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू जहां जीरो होगा वही दोनों बराबर होगा। जैसे अगर हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों बराबर इक्वेट करेंगे, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये वाला टर्म जो है इसमें प्लस के बाद और इसमें माइनस के बाद जो टर्म है इसमें कुछ जोड़ना है इसमें कुछ घटाना है और इधर का क्वांटिटी सेम है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें और कितना घटाएंगे दोनों बराबर होगा, तो दोनों में जो प्लस और माइनस वाला टर्म है वो जीरो होना चाहिए, यानी थीटा 90 होना चाहिए। तो फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन पेपर का इस्तेमाल किए भी हम लोग आंसर बता सकते हैं कि 90 डिग्री ही होगा। आगे देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से और भी बहुत सारी चीजें आसानी से बताई जा सकती है। जैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग कह रहे हैं कि ये थीटा जितना छोटा होता जाएगा ये वेक्टर बी जो है और इधर नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये जो रिजल्टेंट है वो बड़ा होता जाएगा। छोटा कब होता है, जब ये थीटा बड़ा होने लगता है, जब बड़ा होते 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 90 चला जाए उससे भी बड़ा हो जाए तो ये रिजल्टेंट छोटा होने लगता है। तो बड़ा कब होगा, जब ये एंगल छोटा हो, छोटा सबसे छोटा कब हो जाएगा, जब ये एंगल जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाएगा तो ये जो बी वाली वेक्टर बी वाली जो लाइन है वो बिल्कुल ए के लाइन में आ जाएगा और जो रिजल्टेंट है वो भी ए के लाइन में आ जाएगा, तब जो वेक्टर आर है वो ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, ये सीधे ए प्लस बी ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट जब थीटा जीरो डिग्री होगा। यही मैक्सिमम वैल्यू है, दो वेक्टर का सम का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वही उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, और वो कब होगा, जब थीटा जीरो डिग्री होगा, सिर्फ जीरो डिग्री एंगल पे। अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमम के लिए कह रहे थीटा को बड़ा करते जाइए, थीटा को जब बड़ा करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये बी जो है वो इस तरफ झुक रहा है ए के अपोजिट,
और ये झुकते 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 जब एंगल ये 180 पहुंच जाएगा तो ये नीचे चलाएगा, जब ये नीचे चलाएगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कहां तक जाएगा, ए तक पूरा नहीं पहुंचेगा, ए में से बी माइनस करेंगे जो बचेगा रेस्ट अमाउंट वहां तक रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट जो है वो ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखना होगा, और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम माइनस 1 होता है, तो अगर यहाँ प्लस 1 रख देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगा। और अगर कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, एंगल का किस एंगल पे मिनिमम वैल्यू होगा, 180 डिग्री पे, जहां कॉस थीटा का वैल्यू माइनस 1 होगा। अगर माइनस 1 रख देते हैं यहाँ वैल्यू, तब आपको यहाँ पे माइनस रखना होगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, जब रूट से बाहर लेंगे इसको, स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो a माइनस बी का मॉडुलस लेंगे। यहाँ मॉडुलस साइन क्यों लगा हुआ है, मॉडुलस इसलिए लगा हुआ है कि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अब a और b में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता है, अगर a बड़ा है और b छोटा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, पर अगर a बड़ा नहीं है a छोटा है तो a माइनस बी नेगेटिव हो जाएगा और मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखना है, इसलिए मॉडुलस लिया है। तो इसका डिफरेंस का वैल्यू प्लस है या माइनस है, सिर्फ क्या लेना है, जो मैग्नीट्यूड है वो लेना है, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इस पे एक क्वेश्चन देखिए दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। दो फोर्स है 5 न्यूटन और 2 न्यूटन का, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट, इसमें से कौन सा वैल्यू जो है वो उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ कह रहा है मे रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा है ये नहीं कह रहा, कौन कर सकता है, क्योंकि एंगल अभी नहीं दिया गया इस सवाल में, जो दो फोर्स है दो वेक्टर है 5 न्यूटन और 2 न्यूटन, उसके बीच का एंगल नहीं दिया है तो हम लोग कोई फिक्स्ड मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, पर कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं ये बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे वेक्टर के तरीके से, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होता है, पर वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है दोनों के सम के बराबर, और मिनिमम क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो मिनिमम 5 माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, ये तो 3 मिनिमम वैल्यू हो सकता है और मैक्सिमम 7, तो 3 से 7 के बीच का ही कोई वैल्यू होगा। अगर थीटा 0 से 180 के बीच में रखते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 3 से 7 के बीच में मिलेगा। अब ऑप्शन दिया हुआ 10 न्यूटन, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 न्यूटन का भी नहीं आ सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2 न्यूटन, 5 और 2 का सम 2 न्यूटन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3 है दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन 3 और 7 के बीच में आता है तो ये हो सकता है, किसी एंगल पे पॉसिबल है, तो ये एक ऑप्शन सही है। दूसरा 5 रूट 2 है, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.401, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.01 ये करीब करीब आ जाता है 7.05 करीब करीब आता है, तो 7 से बड़ा हो जा रहा है, तो 7 से बड़ा नहीं लेना है और 3 से छोटा नहीं लेना, तो 7 से बड़ा 10 है नहीं लेंगे, तो 3 से छोटा इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा, आंसर होगा हमारा ये 5 न्यूटन। तो इस तरह से सवाल को आसानी से किया जा सकता है, आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इस तरह के सवालों में, पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन छूट सकता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से और क्या क्या चीजें बताई जा सकती। इसमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हम लोग गेस कर सकते हैं किधर होगा, इस पर भी कई बार सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए वेक्टर आर जो है ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच का डायगोनल है, इसमें हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए और बी में ए बहुत बड़ा है, ए जितना बड़ा होगा ये रिजल्टेंट जो है ए की तरफ झुका रहेगा, ये अल्फा जो है रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है ए के साथ, और बीटा जो है रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है वेक्टर बी के साथ,
तो हम लोग यहाँ कहते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है वो उस वेक्टर की तरफ झुका हुआ रहेगा, यानी उससे एंगल कम बनाएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अल्फा छोटा होगा, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बीटा छोटा होगा। जो वेक्टर छोटा होगा उससे ये दूरी बनाए हुए रहता है, और जो बड़ा होता है वो उसके तरफ होता है, उससे क्लोज होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है तो ए के साथ जो एंगल है वो छोटा हो जाएगा, बी के साथ जो एंगल है रिजल्टेंट का उससे। यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए को इस बार हम लोग छोटा रखे हैं और बी को बड़ा, तो ये जो रिजल्टेंट है वो किसके तरफ है, रिजल्टेंट वेक्टर बी के तरफ झुका हुआ है। तो इस बार बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है पर बी के साथ रिजल्टेंट का एंगल छोटा है, यानी जो रिजल्टेंट है वो बड़े वेक्टर की तरफ झुका रहेगा, उससे उसका एंगल कम हो जाएगा, और जो है वेक्टर छोटा है उससे उसका एंगल ज्यादा होगा। तो ए अगर बड़ा छोटा है बी से तो ए का एंगल अल्फा बड़ा होगा, बी के साथ जो एंगल है बीटा उससे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फ्रॉम ए एंड बी वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें कौन सा सही है, यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, रिजल्टेंट किसको कहते हैं, दो वेक्टर के सम को। वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बन रहा है और वेक्टर बी के साथ बीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ अल्फा और बीटा में कौन बड़ा ये पूछ रहा है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो रिजल्टेंट किसके तरफ झुका होगा, ए की तरफ झुका हुआ होगा। अगर रिजल्टेंट ए की तरफ झुका हुआ तो ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो छोटा होगा, यानी अल्फा छोटा होगा। या ऑप्शन में अल्फा छोटा कहां दिया गया है, यहाँ अल्फा छोटा है बीटा से, यहाँ कह रहा अल्फा बड़ा है बीटा से, यहाँ अल्फा बीटा बराबर है, नथिंग कैन बी सेड। तो अल्फा छोटा कहां है, ये पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमारा समाप्त हुआ। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ऐसे ही आपको और भी वीडियोज मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो भी वीडियोज मिलेगा वो आपको पूरे कोर्स के लिए मिलेगा, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए हर तरह का वीडियोज अवेलेबल है। और अगर आप हमारे साथ अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट या जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे ऐप पे अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से पे जाके सर्च करिए अप्राइज ट्यूटोरियल्स और वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।